अच्छा भाई, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है जेआरएफ होने के बाद कि अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं, मतलब एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए या सेंट्रल में आईआईटी में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए। देखो, पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है कि आप तीन चार यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो और आप कहीं एडमिशन ना हो। ये बहुत भाई इम्पॉसिबल सी बात है, बहुत मुश्किल बात है। आपका कहीं ना कहीं एडमिशन पक्का हो जाएगा, लेकिन कई बार हमको ये होता है कि हमको तो हम अपने शहर से ही करनी है, ठीक है, और हमारे शहर में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, वो स्टेट है, सेंट्रल है, आईआईटी जो भी है, और वहां हमारा एडमिशन हो नहीं पाया। तो और वहां पर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं भाई इस चक्कर में कि भाई हमको शहर से बाहर ना जाना पड़े, वो कहाँ एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है भाई, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं भाई। आप कभी भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी ना करें भाई, भूल के भी ना करें। इंडिया में स्पेशली बाहर की जो यूनिवर्सिटी भाई वहां पर तो क्या बोलते हैं, अच्छी भी होती है यूनिवर्सिटी भाई, लेकिन इंडिया के अंदर दिक्कत क्या है, आप एमएससी कहीं से कर लें, एमएससी आप करें स्टेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट से, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीएचडी आपने कहां से करनी पड़ेगी, स्टेट से, सेंट्रल से या आईआईटी से। उसकी वजह है, एक भाई पहली वजह तो यह है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में आपकी जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। हमारी जो फीस थी भाई ड्यूरिंग पीएचडी हमारी फीस थी 6,000 रुपये पर ईयर यूनिवर्सिटी की फीस, ठीक है, तो 5 साल की हमारी फीस लगी 30,000, सॉरी बात आपको पहले पड़ी भाई, 5 साल की हमारी फीस कितनी लगी, 30,000 रुपये। लेकिन भाई जेआरएफ की वजह से हमको 20-25 लाख रुपए वैसे ही मिल गए, तो 20-25 लाख में से अगर 30,000 में किसके भर दिए फीस के, तो क्या बड़ी बात है, बात आपको पहले पड़ रही है। और जो हमारे यानी यहां पर आपको अगर आपका जेआरएफ है, ठीक है, अगर नेट भी आपका है, तो वहां पर आपको पहली बात तो भाई यूआरएस वगैरह मिल जाती है, तो चांसेस ये हैं कि आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपको फेलोशिप कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। जेआरएफ नहीं होगा तो यूआरएस या प्रोजेक्ट फेलो या एचएससीएसटी जेआरएफ, स्टेट जेआरएफ, ठीक है, तो आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लगता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है कि यहां पर जो फी होती ना एक साल की, क्योंकि भाई जेआरएफ होने के बाद कोई प्राइवेट में बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन कोई गलती से भाई अगर चला जाए, वो सोचे भाई कि मेरे पास फेलोशिप आ रही 20-25 लाख रुपए, अगर मैंने 5-6 लाख रुपए दे भी दिए तो क्या दिक्कत है भाई। दिक्कत तब यह है कि आपका पीएचडी वर्क अच्छा नहीं होगा वहां पर, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिसके पास फेलोशिप नहीं है उसको दिक्कत क्या है कि एक साल की फीस होगी तकरीबन 1.25 लाख के आसपास, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आपकी क्या होगी, फीस होगी। तो आप 5 साल तक फेलोशिप कर रहे हो, 5 साल तक आप पीएचडी कर रहे हो, तो कितनी होगी आपके भाई, आपने वहां पर फीस के आपने कितने भर दी, वहां पर 8-7 लाख रुपए आपने भर दी फीस के उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और स्टेट में भरते हो आप सिर्फ 30,000। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में सारी क्या होती है फैसिलिटीज, 29,000 रुपये में आपको क्या मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट भाई, बहुत रेयर है, मतलब आपको ऑलमोस्ट वहां पर मशीनें मिल जाएंगी। कोई मशीन वहां पर नहीं भी होगी ना, तो जो आपका जो भाई टीचर होएगा, जो आपका गाइड होएगा, उसके लिंक होंगे कहीं कहीं पर, वो वहां से आपका भाई जो क्या बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन है आपके सैंपल्स का वो करवा देगा। बात आपको पहले पड़ी, तो आपको ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती यहां पर, क्योंकि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंडिया के अंदर पहली बात तो फैसिलिटीज नहीं है। जो मशीनें हैं भाई, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे डिफ्रेक्शन, ये मशीनें भाई करोड़ों की आती हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं, बहुत कम करती भाई, समझे बात। आपको इक्का दुक्का मशीन मिलेगी वो बहुत सिंपल वाली बिल्कुल, तो आपने वहां पर एडमिशन ले लिया, मान लिया आपका गाइड भी अच्छा है, मान लिया, ठीक है बात। तो अभी जब आपके पास मशीन ही नहीं है, जब आपके पास तलवार ही नहीं है, आप भाई लड़ाई कैसे करोगे, बात आपको पहले पड़ रही है। मशीनें आपके पास है नहीं, ना XRD है, ना टैम है, ना PL है, कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपका पीएचडी वर्क बताओ उससे क्या होगा, सफर होएगा। इसीलिए वहां पर जब बच्चे पीएचडी लेके निकलते हैं ना, तो बहुत रेयर है कि वहां से भाई आप एक दो इम्पैक्ट फैक्टर भी लेके निकल जाओ, बात आपको पहले पड़ रही है। इसीलिए भूल के भी कहां पर एडमिशन ना लें भाई प्राइवेट के अंदर, क्योंकि वहां पर एक तो फीस लगती है बहुत ज्यादा, ऊपर से वहां पर मशीनें नहीं होती,
ऊपर से भाई मोस्टली वहां पर टीचर्स क्या होते हैं, गेस्ट फैकल्टी, समझे बात, वो लगातार भाई शिफ्ट होते रहते हैं। तो आपने किसी के पास अपने आपने एडमिशन ले भी लिया, वो छोड़ के चला गया भाई, अब आपका काम तो क्या बीच में रुक गया, इजंट इट? क्योंकि मान लिया आपने कोई कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड का आपने करवाना है कैरेक्टराइजेशन, अब मशीन वहां पर है नहीं भाई, एक्सआरडी वहां पर है नहीं, तो आप कहाँ जाओगे उस सैंपल को लेके? आपने वो सैंपल भेजा कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में, पैसे देके आपने सैंपल करवाया, वहां से रिपोर्ट आई एक महीने में, एक महीने में आपको पता लगा सैंपल तो बना ही नहीं, तब तक आप आराम से बैठे रहे, बात आपको पहले पड़ रही है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी ना करो भाई, जेआरएफ होने के बाद बिल्कुल ना करो, ठीक है, ओके।